पूरी करो। हम क्या चाहते लागू करो। जस्टिस पूरी करो। पूरी करो। हम क्या चाहते इंसाफ। लागू करो। जस्टिस सर, मैं अजीत सिंह नॉन रजिस्टर्ड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम का चेयरमैन बोल रहा हूँ। सर, हमारा जो मसला है, तो ये अनामली का एक 91 से एज इट इज चल रहा है और किसी भी हुकूमत ने आज तक इसको हल करने की ज़हमत नहीं की है। तो लिहाजा हम रिक्वेस्ट करने पर आते हैं कि भाई ये सीनियर सिटीजन होकर हमें ये बड़ी शर्म की बात है कि मजबूर होकर हम आते हैं कि सारी ज़िंदगी हमने डिसिप्लिन और मुल्क और कौम की सेवा के लिए गुजारी है, खिदमत की है। और दूसरा बात ये है कि आज तक किसी भी हुकूमत ने और किसी भी ब्यूरोक्रेट ने हमारे साथ जस्टिफाई नहीं किया। तो हम आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट को वावर कराना चाहते हैं कि ये जो मसला है इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। हमारे आधे जो साथी हैं इस दुनिया से चल बसे, आधे जो हैं वो बीमार बेड पर पड़े हैं, वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में चल रहे हैं। तो लिहाजा गवर्नर साहब से दरख्वास्त है कि इस मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। अभी जो रिसेंटली PHQ ने एक सर्कुलर निकाला था, अब 2 साल हो गए कि इस मसले को विद इन वीक डे और अपना DG साहब के ऑफिस से एक ऑर्डर निकलता है कि भाई एक हफ्ते के अंदर DDO इसकी रिपोर्ट दें कि भाई टोटल नंबरिंग कितनी है और इसका क्लैरिफिकेशन कितना। अब 1.5-2 साल हो गए और हर तीसरे चौथे महीने वो एक सर्कुलर निकाल देते हैं। वो जैसे एक बच्चे को हाथ में छनकना देते हैं ना, तो वो बच्चे को आवाज़ अजनबी निकलती है, तो वो जब बोलता है यार ये पता नहीं क्या आवाज़ है। तो इसी तरह ये बूढ़ों को डार्क में रखते हैं और जब ये कोई ऐसा सर्कुलर निकलता है तो हमारे रिटायरीज बोलते हैं कि ये हमारा ये मसला हल हो गया। तो लिहाजा अभी हमने एक RTI डाली है कि भाई ये जो मसला इसका जल्द से जल्द इसका जवाब दिया जाए। तो कुछ एक अनासर ऐसे हैं तो वो जाके लोगों को गुमराह करते हैं कि हमने फलाने के पास गए, टीके के पास गए, तो हमने ये ऑर्डर कराया। ये ऑर्डर शार्डर कोई नहीं है, जब कानूनी तौर पर लीगली कार्रवाई होती है तब वो कागज चलता है। तो लिहाजा जब DG ऑफिस से ये कागज निकलता है तो ये हमारे महकमे के लिए खुदाई फरमान है। तो हमें बड़ी दुख की बात है कि उस ना कंप्लेंट्स होती है, उसका रिस्पॉन्सिबल DDOs हैं या DG है, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी किसी ने लेनी पड़ेगी। अभी ये जो हमारे जितने भी रिटायरी साथी हैं, किस कश्मीर से भी आए हैं, ये सैयद नारवली साहब, ये हमारे एडवाइज़र भी हैं, ये भी आए हैं, तो हम देखो इतने दूर से आकर तो इस प्रोटेस्ट में शामिलियत होती है। और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो हमारी कवरेज गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुँचाते हैं। थैंक यू।